दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जिनके रहस्य शायद ही कभी सुलझ पाए। फिर बात चाहे राजस्थान की करणी माता का मंदिर हो, जहां चूहों का झूठा भोजन बेहद पवित्र माना जाता है, या फिर आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी ऐतिहासिक स्थल हो, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर अपने प्रसिद्ध लटके स्तंभ के कारण रहस्यमय स्थानों में से एक है। ये ऐसे रहस्य हैं जो कभी सुलझ ही नहीं पाए हैं। वहीं इस धरती का एक ऐसा पर्वत भी है जो कई गहरे रहस्यों से भरा हुआ है, और वो है कैलाश पर्वत। दोस्तों, इस पर्वत को लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ आज तक कोई भी इंसान जा ही नहीं पाया है, और अगर चला जाता है तो जिंदा नहीं बच पाता है। किस्मत से अगर कोई बच भी जाता है तो वर्तमान समय से सालों आगे चला जाता है, यानी कि उसकी उम्र अचानक से बढ़कर दुगनी हो जाती है। ये सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। इतना ही नहीं, यहाँ कई ऐसी चीजें देखी गई हैं जो इंसान के समझ के ही परे हैं। कुछ सालों पहले चीन ने इस पर्वत पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसके बाद वो कैलाश पर्वत पर जाने से भी कतराता है। चीन के अलावा यहाँ नासा और रूस ने भी रहस्यों को जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यहाँ कुछ ऐसा देखा कि वो उल्टे पांव ही लौट गए और फिर कभी वापस जाने की हिम्मत नहीं की। आखिर क्या है इस पर्वत के रहस्य? क्यों यहाँ आज तक कोई इंसान पहुँच नहीं पाया है? क्यों ये दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश भी इसके आगे नतमस्तक हो गए? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थल बताया गया है, जिसके कारण कैलाश पर्वत को लेकर हिंदुओं में काफी आस्था है और इसे सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। कैलाश पर्वत हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है, जो फिलहाल चीन के कब्जे में है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से ज्यादा है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजय है, यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। कुछ मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर स्वर्ग और नर्क लोग भी हैं। माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज सुनाई देती है। ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव मौजूद है। कैलाश के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाला ब्रह्मताल है, जिसके दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक राक्षस ताल है, जहाँ कोई नहीं जाता है। ब्रह्मताल का पानी मीठा है, जबकि राक्षस ताल का पानी खारा है। यही वजह है कि यहाँ जीव जंतु भी नहीं दिखाई देते हैं। माना जाता है कि ब्रह्मताल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। इसके अलावा कैलाश पर्वत बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। जैन अनुयायियों का मानना है कि उनके गुरु ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर ही ज्ञान की प्राप्ति की थी और यहीं उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। दोस्तों, कैलाश पर्वत अपने आप में एक रहस्य है। कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे कई तथ्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। केवल कुछ वैज्ञानिकों ने इसे लेकर छोटे मोटे अनुमान लगाए हैं, लेकिन उनके पास भी इन रहस्यों को लेकर कोई स्पष्ट कारण नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। दोनों ध्रुवों के बीच में मौजूद है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश ही ब्रह्मांड का केंद्र है, जिसे एक्सेस मुंडी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इसमें 10 दिशाएं आपस में आकर मिल जाती हैं। यहाँ अगर कोई कंपास लेकर जाता है तो ये काम करना बंद कर देता है। एक रूसी वैज्ञानिक एर्नस्ट मुल्ताशिव ने कैलाश पर्वत पर काफी शोध किए हैं। वो चीन से विशेष अनुमति लेकर वहाँ गए थे। वैज्ञानिक का कहना है कि यहाँ के वातावरण में कुछ अलग अनुभव होता है। यहाँ उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। उनके मुताबिक पर्वत पर चढ़ाई के दौरान एक दिन में उम्र 1 महीना बढ़ जाती है। इसके मुताबिक यहाँ 1 महीने रहने में ही जीवन के 2.5 साल खत्म हो जाएंगे। मुल्ताशिव के मुताबिक कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था, और छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है ये। रूसी वैज्ञानिक एर्नस्ट मुल्ताशिव ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में लिखा है कि रात में यहाँ एक अजीब तरह की फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक रात उन्होंने अपने साथियों के साथ यहाँ पत्थरों के गिरने की आवाज भी सुनी थी। ये आवाज कैलाश पर्वत के अंदर से सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि इसे सुनकर ऐसा लगा कि कैलाश पर्वत के अंदर कुछ लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि तिब्बती ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कैलाश पर्वत के नीचे सिद्ध पुरुषों की नगरी शंभाला स्थित है, जो कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कैलाश पर्वत का इलाका पृथ्वी के जीवन से जुड़ा है। जब हमने वेदों, पुराणों, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले सिद्ध योगियों, पिरामिड और पत्थरों को मिलाकर एक योजनाबद्ध नक्शा बनाया, ये बिल्कुल मानव की संरचना के DNA जैसा था। वैज्ञानिक का कहना था कि यहाँ निरंतर एक ध्वनि सुनाई देती है। जब इसे ध्यान से सुनो तो ये एक डमरू जैसी और ओम के उच्चारण जैसी होती है।
कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले ह्यू रटलीज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। इसके अलावा एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आरसी विल्सन ने भी यहां चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। उनका कहना है कि जैसे ही मुझे लगा मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, लेकिन भयानक बर्फबारी ने मेरा रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका है। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे तैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 21 साल पहले साल 2001 में की गई थी, जब चीन से स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी गई थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसीलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए, जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। चीन के बाद चार पर्वतारोहियों की एक टीम ने कैलाश पर चढ़ाई की योजना बनाई थी। उन्होंने कैलाश के नीचे स्थित जलाधारी तक पहुंचने की योजना बनाई। पर्वतारोहियों की टीम में एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और दो रूसी पर्वतारोही शामिल थे। ये सभी काफी कुशल पर्वतारोही थे और वो कैलाश पर काफी आगे तक निकल गए, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी को नहीं थी। एक सप्ताह तक उन पर्वतारोहियों का कुछ नहीं पता चला, लेकिन जब वो लौटे तो उनका हुलिया बदल चुका था। उनकी आंखें अंदर की ओर धस गई थी, दाढ़ी और बाल बढ़ गए थे। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मानो इस सप्ताह में कई साल आगे जा चुके हैं। उन चारों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दिग्भ्रमित अवस्था में उन सभी ने कुछ दिन बाद दम तोड़ दिया। लेकिन आज तक पता ही नहीं चल पाया है कि इन चारों के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, कैलाश पर्वत के लिए ये भी कहा जाता है कि कैलाश की चढ़ाई के मार्ग पर एक ऐसा खास पॉइंट है जहां पहुंचने पर आध्यात्मिक शक्तियों के होने का एहसास होता है। जब यहां कोई इंसान पहुंचता है तो मौसम बदलने लगता है और ठंड काफी बढ़ जाती है। व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है और ऐसा लगता है कि कोई अंदर से कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ। जिन लोगों ने चेतावनी को अनसुना किया उनके साथ बुरे अनुभव हुए। कुछ लोग रास्ता भटक कर जान गंवा बैठे। लेकिन कहा जाता है कि 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मैला रेपा कैलाश पर चढ़ने पर सफल रहे थे। मैला रेपा ही एकमात्र ऐसे इंसान रहे थे जो कैलाश पर पहुंच पाए थे। इसके अलावा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर हिम मानव रहते हैं। ये अब तक हमने कहानियों में ही सुना होगा, लेकिन कैलाश पर्वत को लेकर कई वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यहाँ हिम मानव रहते हैं, और इसका सबूत है यहाँ मिले हिम मानव के पैरों के निशान, जो किसी साधारण इंसान के नहीं लगते हैं और न ही किसी जानवर के। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये किसी हिम मानव के ही पैरों के निशान हो सकते हैं। कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों को लेकर ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर अक्सर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी जा सकती हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि यहाँ चुंबकीय बल हो जिसके कारण ऐसा होता है। दोस्तों, कैलाश के रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहे हैं। कैलाश पर्वत के पास ही ऐसा क्यों होता है, इसका ठीक ठीक जवाब किसी के पास नहीं है। वहाँ मिलने वाले आनंद का अनुभव बताना भी किसी के बस में नहीं है। कैलाश मानसरोवर के पीछे कहानी जो भी हो, चाहे जितने भी रहस्य ये अपने अंदर छिपाए हुए हो, लेकिन इसमें किसी को शक नहीं, ये जगह बेहद पावन, शांत और शक्ति देने वाली है।